प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, आखिरकार जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए इजाज़त क्यों नहीं मिल रही। जिला प्रशासन ने नहीं दी है बिल्कुल भी इजाज़त, नहीं निकलेगा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको बता दें ये खबर रांची से निकल कर के आई है और जैसा कि आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर भी आसानी के साथ देख सकते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाला जाने वाला जुलूस यानी कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस साल भी नहीं निकाला जाएगा। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडे को सदर एसडीओ दीपक दुबे से मिलकर के 19 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकालने की इजाज़त मांगी, मगर एसडीओ ने साफ कह दिया कि सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी है। इसलिए जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकाले जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मालूम हो कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकाल कर पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियाँ मनाई जाती हैं, मगर कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला जा सकेगा। एसडीओ से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में कमेटी के अध्यक्ष मौलाना जसीमुद्दीन खान और अकीलुर रहमान तमामी लोग यहां पर मौजूद रहे और जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिलने के बाद सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी ने कहा है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। चौक चौराहे में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के झंडे और बैनर लगाए जाएंगे, लंगर बांटा जाएगा, लेकिन जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं निकाला जाएगा। मस्जिद कमेटियों से अपील की गई है कि अपने मस्जिदों खानकाओं में सजावट का अहतमाम करें, ईद मिलादुन्नबी पर जश्न मीलाद का मुनक़िद करें, लेकिन जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं निकाला जाए। अब ऐसे में तमाम ही तरह की बातें आने के बाद ये गुस्सा है कि आखिरकार जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों नहीं निकाले देना जा रहा है, जबकि यहाँ पर कहा है कि मस्जिदों को सजाइए और लोगों में लंगर तकसीम कीजिए, लेकिन किसी वजह से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुलूस को इजाज़त नहीं मिल पाई। और ये रांची का ही मामला नहीं बल्कि हर कहीं का यही मामला है, कहीं भी प्रशासन ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर के इजाज़त नहीं दी है। यानी कि अगर बात की जाए तो तकरीबन ये दूसरा साल है जब हम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नहीं निकालेंगे। अब देखना यह है कि आखिरकार इजाज़त मिलती है या फिर इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के प्रशासन ने इजाज़त दी हो। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप कहां कहां से हैं और आप लोगों के यहां पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के क्या गाइडलाइंस है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखें।